नमस्कार दोस्तों, अब आ चुके हैं आज अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। तो हम आपको दुर्गियाना मंदिर का सारा रिव्यू दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी दुकानें सजी हुई हैं, नवरात्रि में कितना सुंदर लग रहा है दुर्गियाना मंदिर का माहौल, ये देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य और आपका स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में। यहाँ पे नवरात्रि का सीज़न चल रहा है गाइस, आज आखिरी नवरात्रि है। तो मैं गाइस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी ही सारी रौनक लगी हुई है। तो गाइस मैं आपको अपना बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी रौनक लगी हुई है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कितनी सारी रौनक लगी हुई है, कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं। और गाइस यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी सारी दुकानें भी हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे नवरात्रि इतनी अच्छी तरीके से मनाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फूलों की भी दुकानें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइस, यहाँ पे दुर्गियाना मंदिर का सारा यहाँ से पूरा सीन देखने को मिल रहा है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से श्रद्धालु कितना जा रहे हैं। तो गाइस हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो गाइस आगे की ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे नवरात्रि मनाते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देसी घी की पूरियाँ भी मिलती हैं गाइस खाने के लिए, और यहाँ पे गाइस कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है गाइस, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी मात्र 6 रुपये में आपको दी जाती है, वो भी कोका कोला की। तो आपको मैं गाइस आगे दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं देसी घी की यहाँ पे पूरियाँ बनती हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें देसी घी की बनती है। और नवरात्रि में देखें गाइस यहाँ पे कोई भी प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, और श्रद्धालु बहुत ही इच्छुकता और बड़े उत्तेजना के साथ यहाँ पे खाना खाते हैं। और यहाँ पे व्रत के भी पकवान मिलते हैं, जैसे कि व्रत के पकौड़े भी मिलते हैं, और शाम को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गियाना मंदिर में कितनी सारी सजावट हुई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ की टिक्कियाँ भी बहुत मशहूर हैं, यहाँ पे व्रत वाली टिक्कियाँ भी मिलती हैं गाइस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो व्रत वाली टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो गाइस अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये शुद्ध व्रत वाली टिक्की बनाते हैं ये भाई। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनकी शॉप है महाजन चाट, तो आप यहाँ पे इजीली विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे चाट वगैरह खा सकते हैं। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कितनी सारी दुकानें सजी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमृतसर के लोग यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु आए हैं, कितने हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे नवरात्रों मनाए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नवरात्रों के लिए अच्छा अच्छा फूड भी यहाँ पे देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। गाइस अब आप आगे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी शॉप हैं, कितना सारा यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी सजावट कर रखी हुई है दुकानदारों ने। आप देख सकते हैं सिर्फ नवरात्रों में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ आगे देख सकते हैं, और ये दुर्गियाना मंदिर बहुत ही बढ़िया है गाइस। आप आगे से जब भी अमृतसर में आए तो दुर्गियाना मंदिर एक बार ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है अमृतसर का। तो दोस्तों अब हम दुर्गियाना मंदिर के अंदर आ रहे हैं, तो मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। अब आपको आगे का नज़ारा दिखा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं सामने दुर्गियाना मंदिर है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे सरोवर भी है। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या नज़ारा है, ये देखिए दुर्गियाना मंदिर का नवरात्रों में इतना अच्छा नज़ारा होता है। और अब आगे देख सकते हैं मंदिर, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया भव्य मंदिर है, और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दुर्गियाना मंदिर ये सामने आप देख सकते हैं गाइस, आप ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है। रात को गाइस ये बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट होती है, और कल के दिन बहुत अच्छी ज़्यादा सजावट होगी, तो आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं तो मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं गाइस यहाँ पे अंदर कैमरा नहीं लेके जाऊँगा। तो आगे की तरफ मैं आज चल रहा हूँ, खुद बतखा रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भाई कितनी अच्छी तरीके से सजावट कर रहे हैं नवरात्रों में, आप देख सकते हैं यहाँ पे सजावट होती है फूलों से। और ये देखिए ये भाई कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सजावट कर रहे हैं, यहाँ पे माता के सारे मंदिर हैं आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया नज़ारा है गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे माता रानी की काफ़ी प्रतिमा वगैरह है, आपको मैं गाइस अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ दुर्गियाना मंदिर के अंदर, शीतला मंदिर है वहाँ का सारा नज़ारा दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे श्रद्धालु कितने हर्ष उत्तेजना के साथ आते हैं, देख सकते हैं नवरात्रि की कितनी अच्छी सजावट चल रही है गाइस। अब हम आगे जा रहे हैं, तो ये देखिए आगे कितनी सारी अच्छी सजावट चल रही है गाइस। दोस्तों अब हम आ चुके हैं दुर्गियाना मंदिर के बड़ा हनुमान मंदिर में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था, वो मैं पेड़ भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहे व्लॉग में, आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ, आगे हम विज़िट कर रहे हैं।
तो हम जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं तो गाइस तो आप देख सकते हैं ये वही वृक्ष है जहाँ पे लवकुश ने श्री हनुमान जी को यहाँ पे बांधा था। आप देख सकते हैं बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं आगे का आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं आगे भी मंदिर है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, ये मेरे चैनल का पहला व्लॉग है गाइस। इस व्लॉग को सपोर्ट कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी होगी, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस टेक केयर, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा, अमृतसर की नई से नई वीडियो लेकर आता रहूँगा, फूड व्लॉग भी लेकर आता रहूँगा। तो गाइस एक सपोर्ट ज़रूर से कर देना।